दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रोहित शर्मा ने वनडे वर्ल्ड कप में मारे सबसे ज्यादा छक्के, तो दंग रह गया पाकिस्तान के दिग्गज। कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। जी हाँ दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए मैच में भारतीय टीम की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी की है और इस दौरान रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के मारे हैं, जिसको देखकर पाकिस्तान के दिग्गज दंग रह गए। इस बीच पाकिस्तान के दिग्गजों ने रोहित शर्मा की तारीफ करते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा। तो आखिरकार रोहित शर्मा के द्वारा सबसे ज्यादा छक्के लगाए जाने पर पाकिस्तान के दिग्गजों ने क्या बयान जारी किया है, तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा विराट कोहली में कौन है खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, वनडे वर्ल्ड कप काफी शानदार अंदाज से आगे बढ़ रहा है, जहां पर ग्रुप स्टेज के अंतिम मैच में भारत बनाम नीदरलैंड का मुकाबला हुआ, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान रोहित शर्मा, शुभमन गिल ने 100 रन की ओपनिंग साझेदारी कर दी। इस दौरान रोहित शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 54 गेंद पर 61 रन का योगदान दिया, तो दूसरी तरफ शुभमन गिल ने 32 गेंद पर 51 रन बनाने का योगदान दिया। इस दौरान रोहित शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से अर्जित कर दिया और इस दौरान रोहित शर्मा ने एक साल के अंदर सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड 59 छक्के के साथ डिविलियर्स को पीछे छोड़कर पूरा किया। दूसरी तरफ इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगा दिए गए, जिसको देखकर पाकिस्तान के दिग्गज दंग रह गए और उन्होंने रोहित शर्मा को लेकर बड़ा बयान जारी कर दिया, जिसमें वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा कि रोहित शर्मा ने इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाकर सभी को प्रभावित किया है। रोहित शर्मा ने इस वर्ल्ड कप के अंदर तूफानी प्रदर्शन करते हुए एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि उनको इस वर्ल्ड कप में रोक पाना किसी भी टीम के लिए आसान काम नहीं होगा। इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने जिस प्रकार से पावर प्ले का फायदा उठाकर छक्के और चौकों की बारिश की है, उसको देखकर हर कोई गेंदबाज उनके सामने गेंदबाजी करने से मना कर देगा, क्योंकि रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप में अलग उद्देश्य के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा, मुझे लगता है कि रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा छक्के इस वर्ल्ड कप में कोई और खिलाड़ी नहीं लगा पाएगा। वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा है कि इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी की है, यहाँ पर भी उन्होंने छक्के और चौकों की बारिश करते हुए सभी को हैरान कर दिया। इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं और उनके पीछे मैक्सवेल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड कप के अंदर रोहित शर्मा को सबसे ज्यादा छक्के लगाने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि रोहित शर्मा के पास सबसे बेहतरीन तकनीक है और वह अपनी तूफानी बल्लेबाजी के दम पर किसी भी गेंदबाज को परेशान कर सकते हैं और इसी के चलते वह आगे आने वाले मैच में भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा से ज्यादा छक्के कोई और लगा पाएगा। वहीं शाहिद अफरीदी ने बयान देते हुए कहा कि रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप में खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए हैं और यहां पर भी उन्होंने सबसे ज्यादा छक्के लगाकर सभी को प्रभावित कर दिया है। वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले काफी ज्यादा मुश्किल है और वनडे वर्ल्ड कप में ज्यादातर खिलाड़ी छक्का लगाने के बारे में बहुत कम सोचते हैं, लेकिन रोहित शर्मा जी आक्रामक रवैये के साथ मैदान पर उतरते हैं, उनकी तारीफ होनी चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा, इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा से ज्यादा छक्के लगाना शायद किसी भी खिलाड़ी के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि रोहित शर्मा इसी अंदाज से तूफानी बल्लेबाजी करेंगे और सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कायम करेंगे। वहीं रमीज राजा ने बयान देते हुए कहा कि रोहित शर्मा ने इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाकर सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने बता दिया है कि वह भारतीय टीम के लिए बड़ी पारी खेलेंगे या नहीं, लेकिन वह एक ऐसी पारी खेलेंगे जिसके चलते रोहित शर्मा इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से अर्जित करेंगे। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा से ज्यादा छक्के कोई लगा पाएगा, क्योंकि रोहित शर्मा अलग अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं और इसी के चलते उनके इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के रहेंगे और उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, रोहित शर्मा की तूफानी पारी को आप 10 में कितने अंक देना चाहेंगे, अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।